नमस्कार, मैं हूं मनमोहित और आप देख रहे हैं प्रेस वार्ता एक नज़र की एक खास रिपोर्ट। इस वक्त ये सीधी तस्वीरें हम आपको सिरसा के रोज हवेली की दिखा रहे हैं, जहां आज भगवान श्री जगन्नाथ के रथ के पवित्र पहियों का अनावरण किया गया है। हरियाणा के महामहिम राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय, उड़ीसा के राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल, बिजली मंत्री चौधरी रंजीत सिंह चौटाला, JJP के संस्थापक चौधरी अजय सिंह चौटाला, हरियाणा सरकार में विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली, प्रमुख समाजसेवी बृज मोहन सिंगला व अमनी सिंगला के साथ भगवान श्री जगन्नाथ के रथ के पवित्र पहियों का रॉयल हवेली में अनावरण किया गया है। हारे का सहारा चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष एवं वरिष्ठ भाजपा नेता अमनी सिंगला ने बताया कि हरियाणा में ये पहला अवसर है भगवान श्री जगन्नाथ के रथ के पहियों की स्थापना रॉयल हवेली सिरसा में की गई है। श्री जगन्नाथ के 16 पहिए वाले रथ का नाम नंदीकोश है। यह दो पहिए भगवान श्री जगन्नाथ धामपुरी से सिरसा में लाए गए हैं, जो कि ज्ञान एवं प्रेम का प्रतीक है। इससे पहले पूरे हरियाणा में कहीं भी ये पहिए स्थापित नहीं हैं। भगवान श्री जगन्नाथ के पवित्र पहिए भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र की भांति कष्टों व दुष्टों का संहार करते हैं। यह पवित्र पहिए मन व हृदय को मंत्रमुग्ध करते हैं। इनके दर्शन मात्र से इंसान सभी कष्टों से दूर हो जाता है और सिरसा के लिए सौभाग्य की बात है कि इन पहियों का अनावरण सिरसा की रॉयल हवेली में किया गया है। आप इस खबर को अधिक से अधिक शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये जानकारी पहुंच जाए।